शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को, हा? तेरे को मालूम नहीं, सच? लेकिन हमको मालूम है, अगर हम मर भी गए ना तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। मालूम नहीं तेरे को, शर्म नहीं आई? दो दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया, शर्म नहीं आई पैसे? अरे तुम दोनों की सौगंध, मेरे को नहीं मालूम है पैसे किधर से। सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम यार, मैं सच कहता हूँ, मैंने अभी अभी पैसे देखे हैं। ये तो ये पैसे कहाँ से है? तुम्हारे माँ का पति जेब में डाल के गया या ऊपर आसमान से गिरा? देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। इसको बोल जुबान संभाले, मैं इसका सेठ हूँ। अरे सेठ होगा मेरे जूते से, या तो इसने चोरी किया या किसी का पॉकेट मारा है। क्या चिरकुट भांडों की तरह लड़ रहा है तुम लोग सड़क के ऊपर यार? भूख लगी, खाना खाना, पैसा आ गया, खाओ ना यार। नहीं चाहिए मुझे चोरी वाले, नहीं खाऊंगा इन पैसों से। थैंक यू, मैंने इतने साल सबको काम दिया, सबका पेट पाला, सबको अपना बना के रखा, इसके लिए मुझे मिलना ही था बदले में। मैं चोर हूँ ना, पॉकेट मारू, ये चोरी का पैसा है। चल, तेरे को मैं ये चोरी के पैसे से पानी की एक बूंद भी नहीं दूंगा। और तू इतना याद रखना, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। बंटे तू मेरी बात सुन। तो आज फैसला किया ना, मैंने तो बचपन से फैसला कर लिया था कि अगर मैं मर भी रहूंगा तब भी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे हाथ का पानी पिएगा ना उसे मोक्ष तक नसीब नहीं होगा। इतने गद्दे और घटिया किस्म के इंसान हो, बच्चों करने वाला चीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? बबला चल। सर जी, वो देखिए। ये ककड़ी देख रहे, ककड़ी देख। चाट मसाला होता ना यार, तू खाने का मजा ही कुछ और होता है। सूरत से लाया हूँ मैं, खमंड खाया हूँ, चाट रहेगी हो। क्या बात करते हैं यार। हाँ वरियाली है, मुखवा से निकलना। अरे सुन ब्रदर, चाकू है चाकू? यस देयर वी गो। हाँ उधर पेपर दे, ये लो ये लो। और दो तीन ककड़ी ला। ओके बॉस। वाह वाह वाह। अभी इसको कैसे खाने का मालूम है तेरे को? नहीं, इसका ऐसा गोल गोल छोटा छोटा टुकड़ा करके ये मसाला लेने का, फिर ऐसा कड़क 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 छिड़क, फिर छिड़कने के बाद अल्फा 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 मिला के एक टुकड़ा उठा, किसका? ककड़ी का। हाँ ककड़ी का, और फिर इधर रखने का। सड़ी ये गरीब छोकरे को भी कुछ दे दो ना। नहीं, चोरी का पैसा है ना अपना, उससे कुछ खरीदेंगे तो हराम का माल, ये बेचारे साधु आदमी को पचेगा नहीं ना। हाँ। तू एक काम कर, तू अंदर जाकर पैसा दे दे, तब तक मैं फर्स्ट चाट मसाला तैयार कर दूं। ये काली मिर्च होती तो मजा आ जाता। लाया हूं ना मैं। काली मिर्च है तेरे पास? हाँ है। क्या बात है, तू आदमी की कबाट है यार। कबाट भरे ले, खोपड़ी खाली है। अरे जिसके भरे लिए वो पका के खाए ना। नहीं लगने का, पैसे वाले गरीब आदमी के मुंह नहीं लगते। तू जाने दे। ओ हां मैं भी नहीं लूंगा। तू जाने दे। आजा मेरी ककड़ी, तुझे कैसी पकड़ी, आजा मेरी ककड़ी। ककड़ी पे मसाला कौन खाएगा, सेठ का साला। ककड़ी पे क्या हो गया, लोग क्यों भाग रहे? कुछ नहीं, एक कुत्ता पागल हो गया था, उसके पीछे सब लोग भाग रहे। सेठ जी का है? पता नहीं मेरे को, यहाँ चाट बना रहे थे, मुझे नहीं पता। सेठ जी, सेठ जी। तो तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना कभी नहीं देखा है। तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए? कौन से पैसे? साला ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
साला मुझसे पैसा लेकर कह रहा है, मुझे कभी नहीं देखा है? ये पुलिस नहीं है, चोर पुलिस है। हाँ। साले को मार मार के इससे उगलवाओ कि खुफिया लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। बता हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? कि तुमको नहीं मालूम तुम्हारे धंधे में क्या होता है? बकवास बंद कर और सच सच बता, गांधी के बारे में तू क्या जानता है? अरे राष्ट्रपिता है हमारे। बंद कर और सच सच बता, तू गांधी के बारे में क्या जानता है? अरे मैं क्या, सारे हिंदुस्तानी जानते उनके बारे में, मैं क्या बताऊंगा? क्या और क्या जानता है? वो जब चलते थे पूरी दुनिया उनके साथ चलती थी, वो जो साथ में चलते थे उनको दौड़ना पड़ता। बस बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? धंधा? चरखा चलाते थे। चरखा? हाँ। कैसा चरखा? सूत काटने का, खादी का कपड़ा बनाने का, आजादी की लड़ाई लड़ने का, ये सब धंधे थे गांधी जी के। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? यार कैसे हिंदुस्तानी हो, लंदन आकर महात्मा गांधी को भूल गए क्या? अबे महात्मा गांधी नहीं, एम जी गांधी, मनु भाई गांधी के बारे में क्या जानता है? तो तू कौन है? अरे यार वो मेरा चंपू कहाँ है यार? अरे उसके पास बहुत पैसे हैं, कहीं ऐश कर रहा होगा। अच्छा? हम लोग भूखे नंगे नजर टिकाए बैठे हैं, वो किसी 7-स्टार होटल में 7-कोर्स मील खा रहा होगा। बॉस मैंने पकड़ से उसके 2 दांत उखाड़ दिए, उसके 2 नाखून उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया। क्या? हाँ, फिर भी कुछ नहीं बोलता है, वेरी टफ गाय। अब तू बोलेगा। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। सर, देयर इज अ कॉल फॉर यू। मनु भाई गांधी हियर। नहीं 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 शेर खान, मेरी बात तो एक 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 मौका और दो, क्योंकि अब की बार खुद पुलिस वाला तुम्हें पुड़िया पहुंचाएगा। फोकट में टाइम का खोटी हो रहा है, चारों में से एक लड़की भी नहीं आने वाली है। भाबलिया, इधर इधर। अरे तेरी क्या हुआ? जल्दी जल्दी, वो देख वो देख, वो जा रही है, देख वो देख वो देख, देख अंदर गई, अभी आएगी ना, वो आएगी आएगी, जैसे आएगी ना उसका पीछा करेंगे हम लोग। This is your ticket, ma'am. And here's your passport. Thank you. Have a nice day. Aye, aye, aye. Wo dekh, jaldi aa, jaldi aa, jaldi aa. Jaldi chal murakh. अब अगर उसने निशा को टिकट नहीं दी ना तो तू समझ ले तो मैं ना बातें तो अच्छी किया कर। चल चल, जाके पकड़ उसको, चल जा, जा जाके पकड़ उसको, पूछ कहीं भाग ना जाए वो। एक बात बोलो, तू मेरी बात सुनेगा? ए भाई बात सुनेगा तू मेरी? अपने भेजे से तूने बीए निकाल के ना पुटली में भर के फेंक डाल, भर गई। बाबलिया ये अदिति नहीं है। कभी किसी अंग्रेज का नाम अदिति सुना तूने? हाँ, तेरे को एक बात बोलूं, अपन इस अंग्रेज का पीछा करते हैं, मालूम करते हैं कि ये टिकट किसको देती है। बहुत कमाल का आइडिया है। शीतल निकली, उसने टिकट उठाकर अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेज दौड़े उसने मौसी को दे दिया, मौसी दौड़े उसने बच्चे को दे दिया, बच्चा दौड़ा दौड़ा उठाकर मामा को दे दिया, मामा ने चाचा को दे दिया, चाचा ने उठाकर काका को दे दिया, काका ने पता नहीं पता नहीं किस किसके बच्चा दौड़ेगा तू? तेरे पास थैला है? अभी तेरे को क्या चाहिए तू बोल। एक काम कर, तू भीख मांग इधर बैठ कर ट्रेन में, ठीक है? तू मेरा दिमाग मत खराब कर, अभी तू जा यहां से, जा। अबे ट्रेन में भीख मांगने से तो अच्छा है कि इस देश के अंदर से 3 दिन में सलट लूंगा मैं। क्या टेढ़ा कर लेंगे लोग सोचते हैं मेरा? हाँ, ना ही फांसी दे पाएंगे, ना ही उम्र कैद, और ना ही किसी के हाथ आएगा, ना ही लावारिस मौत मरेगा, बाबला समझा? क्या क्या हुआ? लास्ट टॉयलेट का नहीं, क्या निशा को देखा,
निशा निशा बाथरूम में तुम लेट कर रही है अंदर बैठो बैठो अबे चल चल ये देख अरे मैंने देखा था मैं थी ना मैं बोलता हूँ बोलो किधर 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 गुरुजी, गुल्लू बोल रहा हूँ टैक्सी ड्राइवर हाँ हाँ मुझे पता चल गया वो हरामखोर बंटी कहाँ है आप फटाफट ब्राइटन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओ और सुनिए मेरी टैक्सी लेते आना प्लीज हाँ। कौन मालिक बोल रहे हैं साले तेरी टैक्सी मिल गई तू ब्राइटन स्टेशन पर पहुंच अपनी टैक्सी ले फटाफट फूट यहां से एक बार तेरी टैक्सी दे दू ना उसके बाद तेरी गुलामी हमेशा हमेशा के लिए बंद तेरी माँ का नाका रुक अब कहाँ जाएगी कहाँ भाग रही है मरने का नाटक करती है और हमको बेवकूफ बनाती है हाँ अपने पति को मारा तूने और इल्जाम हम पर लगा मैंने किसी का खून नहीं किया अच्छा तो क्या वो खून मैंने किया हाँ झूठ बोलती है साली अगर तूने वो खून नहीं किया तो उसने भागी क्यों थिएटर से मैं तुम्हें अपने बारे में सच्चाई बताने आई थी कौन सा सच बताने आई थी मेरा नाम मुन्नी नहीं है वो तो मैं भी जानता तेरा नाम मुन्नी नहीं है तेरा नाम तो मेरा नाम निशा भी नहीं है और ना ही विक्रम चौहान मेरा पति है तो उसने जलकर मरा कौन निशा चौहान विक्रम चौहान की असली पत्नी झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी मिला और तुमसे प्यार कर बैठा खोजता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं तुमसे मिला क्यों मैं तुमसे प्यार कर बैठा बच्चे प्लीज मेरा यकीन करो मैं सच बोल रही हूँ और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा तुम्हें सुनना ही होगा और उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर लो मेरा नाम अदिति है अदिति देसाई जो आदमी मुझे काम के लालच में यहाँ लाया उसके इरादे गलत निकले जिस दिन उसकी बुरी नजर मुझ पे पड़ी मैं वहां से भाग निकली लेकिन मेरा पासपोर्ट वहीं पे रह गया ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मेरी दोस्त शीतल मिल गई जो एक डांस क्लब में काम कर रही थी उसने मुझे उसी डांस क्लब में काम दिलवाया और वहां नाचकर मैंने अपना गुजारा कर लिया
तब एक दिन वहां पुलिस पहुंच गई और इससे पहले कि वो मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगे और कुछ सवाल पूछने लगे, मैं डर के मारे वहां से भाग गई। लेकिन पुलिस ने मेरा पीछा किया, उसी वक्त एक गाड़ी मेरे सामने रुकी। जिस आदमी ने मुझे पुलिस से बचाया वही विक्रम चौहान था। कैरेन, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों तक मेरी पत्नी बनने का नाटक करो और तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। घबराओ मत, मैं तुम्हें छूंगा नहीं और मेरा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें एक नया पासपोर्ट और 25 लाख रुपए दे दूंगा जिससे तुम खुशी खुशी इंडिया जा सकती हो। और अगर मैंने इनकार कर दिया तो? फिर तुम्हें पुलिस से भी कोई नहीं बचा सकता है। कोई मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैंने सोचा मुझे अपना पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं वापस इंडिया चली जाऊंगी अपने माँ बाप के पास, और मैंने उसे हाँ कर दी। उस रात जब मैं तुमसे मिली तब विक्रम भी वहाँ मौजूद था। हम दोनों डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके सामने मैं खुदकुशी का नाटक करके ये साबित कर लूँ कि मैं, यानी कि विक्रम की बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उससे पहले तुम्हारी गाड़ी वहाँ पहुँची। जब डॉक्टर आए तो मैंने उनके सामने मरने का नाटक किया, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और फिर तुमने मुझे अपने नाटक में काम करने के लिए पूछा। मैंने तुम्हें अपना नाम मुन्नी बताया और कुछ झूठ मूठ की कहानी सुना दी। उस रात जब बाबला ने किसी को मेरे साथ बात करते हुए सुना वो विक्रम ही था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम लोगों के सामने ऐसी हरकतें करूं जिससे ये लगे कि मुझ में सुसाइडल टेंडेंसीज है, ताकि तुम्हारी गवाही के द्वारा डॉक्टर के सामने ये साबित हो जाए कि मैं पागल हूं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ प्लान के मुताबिक ही था। मैं वादा करती हूं कि मैं मर जाऊंगी। काम पूरा हो गया और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, ये रहे बाकी के पैसे। आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। गुड लक। थैंक यू। जब मैं वहां से निकली तो मुझे याद आया कि मैं अपना पासपोर्ट अंदर ही छोड़ आई थी। मैं उसे लेने वापस गई तो मैंने देखा कि विक्रम चौहान एक लड़की को घर के अंदर ले जा रहा था जो बिल्कुल होश में नहीं थी, और वो और कोई नहीं, उसकी असली पत्नी निशा चौहान ही थी। तू रोकेगी मुझे? मेरी परसों की मेहनत पर पानी फेरेगी? हा? मेरा प्लान चौपट करेगी? उसे जिंदा जलाऊंगा, बाद में तेरी बारी। निशा दरवाजा खोलो। निशा, निशा दरवाजा खोलो। निशा सुनो, दरवाजा खोलो मैं कहता हूं। निशा, मिलने की और सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई। देखो, अगर मैं मान भी लूं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन तुमने विक्रम को क्यों मारा? बंटी, मैंने विक्रम को नहीं मारा। ए बंटी, इसको छोड़ना नहीं। मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है, वो आ रहा है इसको पकड़ने के लिए। ये क्या किया तुमने? बंटी, बंटी वो मुझे मार डालेगा। नहीं, वो तेरे को नहीं मारेगा, वो तेरी आरती उतारेगा। अरे पापा आ रहे हैं। पापी, बकवास बंद करो। तुम लोगों ने उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि क्या? क्योंकि 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 उसी ने विक्रम का खून किया है।
अरे तनेजा साहब कहाँ ले आए? अबे चुप, ये साला मेरी टांगे तोड़ने के लिए इंडिया से गुंडे लेके आया है। क्या? नहीं नहीं नहीं, या तो मेरे अस्पताल का खर्चा चुकता कर या फिर उस गुंडे को मेरे सामने पेश कर। कहाँ? पहचानना क्या है? छठी मंजिल पे अकेला हूँ, आओ ना। कहाँ? ऊपर 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 चल। कहाँ ले जा रहा भाई? मेरी टांगे। उस दिन जब मैं तुम लोगों से मिलने थिएटर आई थी तब विक्रम भी वहां मौजूद था। निशा की मौत की तुम एक लौती गवाह हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं देख सकता। विक्रम! उसने विक्रम पे गोली चलाई और वो जख्मी हालत में भागते हुए आप लोगों के पास आ पहुंचा। गवाह थी, उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उसने ये भी पता कर लिया कि मैं कहां रहती हूं। मैं तुम लोगों के पास भी नहीं आ सकती थी मदद मांगने। उसने तुम्हें भी खून के इल्जाम में फंसा लिया था। तब मैंने अपनी दोस्त शीतल की मदद ली टिकट खरीदने के लिए। इससे पहले कि वो मुझे जान से मार दे मैं इंडिया वापस चली जाऊं। अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि पुलिस कमिश्नर विक्रम चौहान का खून क्यों करेगा। पंचे ये मैं भी नहीं जानती क्यों। मैं बताता हूं। क्योंकि निशा मेरी इकलौती बहन थी। मां बाप के मरने के बाद मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो एक लड़के से प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती है। उस लड़के का नाम था विक्रम चौहान। मैंने कभी अपनी बहन की बात नहीं डाली और मैंने उनकी शादी करा दी। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी बहन की दिमागी हालत बिगड़ने लगी तो फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसने अपने आप को जला कर मार डाला। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब उसके खून में ड्रग्स पाया गया। जब मैंने तहकीकात शुरू की तो ये बात सामने आई कि मेरी बहन की दौलत पाने के लिए विक्रम उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देता था। इसी वजह से मेरी बहन ड्रग्स की आदी हो गई थी। इससे पहले भी विक्रम की शादी हो चुकी थी। उसने मेरी बहन का खून सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए किया था। जब मैंने विक्रम से बात की। हो सकता है जो तुम बोल रहे हो वो सच हो। अब दौलत तो मेरी हो ही चुकी है, फिर मुझे मारकर अपने आप को सूली पर चढ़ाकर अपने बच्चों को अनाथ करना चाहते हो क्या? उस पल से मैं उसकी तलाश कर रहा था। उस दिन जब मैं थिएटर पर आया तब मैंने उसे देखा। मेरी तकदीर अच्छी थी कि आप लोगों ने अनजाने में उसकी लाश को एयर कंडीशनिंग डक्ट में रखा, जहां से वो सरकती हुई स्टेज पर आ गिरी। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बहन के कत्ल में विक्रम का साथ दिया था, तो तुम दोनों को भी नहीं जिसके खून के गवाह बनोगे। एक मिनट टाइम प्लीज, एक मिनट एक मिनट। मैं आपकी जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ। ये लड़की कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है। बोलना गूंगी है क्या? बोलना, बंदूक है उसके हाथ में, बोलना भी हूँ क्या कर रही? बोल। थक गया। इधर गए साले बंटी बाबला। भाई कहाँ लेकर आए तुम यार? कहाँ वो? मैंने उनको ऊपर जाते हुए देखा। पंछी बनकर हवा में उड़ गया क्या वो? मुझे क्या मालूम। करो तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं उसकी टांग तोड़ कर आता हूँ। Yes, वो यहाँ से निकले तो उसको पकड़ लेना। Okay, चल चल चल। अरे मेरा क्या होगा? मर जा तू। मैं हूँ ना। अरे तू क्या है यार? हट जा, हट हट जा। मैं हूँ ना। बाबला, पूरे बंटिया। गुरु,
चल। कितने साल पुरानी होगी ये? यही शेर खान है। यस बॉस। लेकिन उसके हाथ में ना बैग है ना पैसा है। अरे चेक या डिमांड ड्राफ्ट लाया होगा, जाके पूछो उसे। यस बॉस। डिमांड ड्राफ्ट है क्या? पैसा 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 पैसा, ये तेरे बाप की बिल्डिंग का पैसा मांग रहा है? माल का पैसा। पुड़िया पुड़िया पुड़िया। अरे खिसक गया है क्या बाबले? पुड़िया 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 है, पगला गया लगता है। आप शेर खान है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बताइए ना, आप ही शेर खान है ना? नहीं, मैं उसका ससुर हूँ, ससुर। ओ माय गॉड, हमें आपके दामाद से मिलना है। आपका दामाद कहाँ है? मर गया। कब? अभी अभी एक मिनट पहले मर गया। कैसे? चॉकलेट खा के। अरे क्यों मेरा घर खाते हो यार? तुम लोग कौन हो भाई? बंटी तो मिला गया। ये अजीब लोग कौन है? बॉस, इन्हीं को मालूम होगा बंटी कहाँ है। यही तो मेरे बॉस है। गुल्लू, मुझे इन लोगों ने बचाया। बॉस, ये सब उसको बॉस बोल रहे हैं, यानी कि ये सब खुफिया पुलिस है, इन्हीं ने शेर खान को पकड़ा है। यहाँ कैसे चंपक भाई? पकड़ो साले को, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। बॉस, हमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। बॉस, बचा लो बॉस। सेठ जी, बंटी। बॉस, यहाँ तो सब खुफिया ही खुफिया है। खुफिया?
हाँ बंटी मुंह खोलो जरा। वेरी गुड। कैसे हैं सर? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये रहे आपके पासपोर्ट्स। धन्यवाद। जब भी ठीक हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं। हाँ। मिलेंगे कभी दुनिया के किसी कोने में। कोने में मिलेंगे, खाट पे नहीं। थैंक यू।